यूएनएससी में टर्की ने वर्ल्ड लीडर्स के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस पर भारत ने टर्की को आईना दिखाते हुए कहा कि टर्की हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दे। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। टर्की को कश्मीर मुद्दे पर फैक्ट्स चेक करके इस मामले की समझ बढ़ानी चाहिए। दरअसल टर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने कश्मीर की बात करते हुए कहा था कि दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर अभी भी शांति नहीं है। न्यूयॉर्क में हो रही यूएनजीए की मीटिंग में टर्की ने कश्मीर समस्या पर हल मांगा। अर्दोगान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन दोनों देशों में आज तक कश्मीर समस्या का हल नहीं निकाल पाए, और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि कश्मीर में सुख समृद्धि फिर से लौट आएगी। इसी बात पर विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रविश कुमार ने टर्की को जवाब दिया था। रविश कुमार ने यह भी कहा कि कश्मीर मुद्दे की जगह टर्की को पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों के बारे में बात करनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब टर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर बात की है। इससे पहले 2020 में अर्दोगान ने पाकिस्तान में कश्मीर के लोगों की तुलना टर्की के लोगों से की थी। अर्दोगान ने कहा कि टर्की की आज़ादी के समय पाकिस्तान के लोगों ने हमारी मदद की थी, और कहा कि पाकिस्तान की इस मदद को ना हम भूले हैं और ना कभी हम भूलेंगे। और आपका क्या कहना है इसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।